यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और वहीं शिमला शहर में जल संकट को लेकर एक तरफ लोग जहां सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, वहीं नगर निगम में चुने हुए जनप्रतिनिधि भी लोगों की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बुधवार को निगम की मासिक बैठक में पेयजल संकट को लेकर जमकर हंगामा हुआ और जैसे ही निगम की मासिक बैठक की कार्यवाही शुरू होते ही निगम में कांग्रेस और माकपा समर्थित पार्षदों ने विरोध करना शुरू कर दिया। दोनों विपक्षी दल वेल में जाकर नगर निगम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करने लगे, जिसके चलते निगम की मासिक बैठक की पहले 15 मिनट के लिए उसे स्थगित करना पड़ा। और वहीं शहरवासियों को पर्याप्त पानी न मिल पाने के चलते विपक्षी दलों ने भाजपा शासित मेयर और डिप्टी मेयर से इस्तीफे की मांग की। पार्षदों का कहना है कि सरकार और निगम में मेयर और डिप्टी मेयर शहर के लोगों को पानी देने में बिल्कुल नाकामयाब साबित हुए हैं।